नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार घर की इन तीन महिलाओं को एकादशी का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि का अपमान माना जाता है। भूल कर भी आप ऐसा अनर्थ मत करिएगा। साथ ही साथ जानिए एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, गुरु जी ने अपनी कथा में अपने भक्तों को बताया कि इन तीन औरतों को कभी भी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इन तीन औरतों को घोर पाप लगता है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा से भी वंचित तो होना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों इन तीन औरतों को व्रत नहीं रखना चाहिए? व्रत रखना तो औरतों का प्रथम कर्तव्य होता है। व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ती है, तो फिर गुरुजी ने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एकादशी जो कि हरि का दिन माना गया है, और ये भी कहा गया है कि देवी देवताओं के जो व्रत होते हैं उन्हें आप करो या ना करो, आपकी मर्जी, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी के व्रत को अगर ना किया जाए तो इससे बहुत बड़ा अपराध लगता है, क्योंकि इस दिन अन्न में कलयुग का निवास होता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेता है तो भगवान विष्णु श्री हरि उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, श्री हरि आपको सभी कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये व्रत आपको सच्ची श्रद्धा से ही रखना है। अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो आप इस व्रत को भूल जाएं, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अहम भूमिका दी गई है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। लेकिन इसी के साथ, क्या आप जानते हैं कि घर में ऐसी तीन महिलाएं होती हैं जिन्हें एकादशी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए? श्री हरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, आप ऐसा पाप कभी मत करना, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। नंबर वन, क्या तलाकशुदा औरत एकादशी का व्रत रख सकती है? दोस्तों, ये व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और बन जाता है महासंयोग। ऐसे में पुराणों में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करती हैं तो महालक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करती हैं तो इसे पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा महिला एकादशी का व्रत कभी भी ना करें। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही हों। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जाता, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। नंबर दो, क्या मासिक धर्म में एकादशी व्रत किया जा सकता है? वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है। लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बना करके सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती हैं। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से करा सकती हैं। इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि ये प्रकृति का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता और ना ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ होता है। शरीर तो महज एक जरिया है, इसीलिए पूरे मन और श्रद्धा से महावारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानूनों का पालन कर सकती हैं। नंबर तीन, क्या कोर्ट मैरिज करने वाली औरतें एकादशी के व्रत को कर सकती हैं? दोस्तों, खास तौर से सुहागिन महिला के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से ही वैवाहिक जीवन, संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब हासिल हो जाता है और पति पत्नी को सात जन्मों तक का साथ मिल जाता है।
लेकिन क्या आप जानती हैं कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ सात फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र एकादशी का व्रत भूल कर भी ना रखें। इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी भी ना करें। ऐसे में आप एकादशी के व्रत से दूर रहें। बगैर सात फेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी व्रत पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप एकादशी पूजा को करने में सक्षम नहीं है। पहले आप सात फेरे ले लें, तभी आप एकादशी की पूजा या व्रत कर सकती हैं। सात फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकती हैं। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकती हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करती हैं तो घोर अनर्थ और पाप माना जाता है। श्रीहरि हो जाते हैं क्रोधित, माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। दोस्तों, वहीं कुंवारी कन्या या पुरुष एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी होने पर एकादशी का व्रत कभी भी ना करें। दोस्तों, अगर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो आपको एकादशी व्रत की कुछ सावधानियां आपको जरूर जाननी चाहिए। ये गलतियां आप कभी ना करें। नंबर वन, एकादशी के दिन अगर आपको क्रोध आ जाए तो आप उसी क्षण पाप के भागीदार बन जाते हैं। इस दिन मधुर वचन बोलने चाहिए और क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर टू, अगर आपके पड़ोस में भी किसी ने एकादशी का व्रत रखा है तो ऐसे में पड़ोसियों को भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर थ्री, इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। नंबर फोर, इस दिन आपको ब्रश आदि नहीं करना चाहिए, नींबू, जामुन या आम की पत्ती चबा लेना चाहिए और नीम की टहनी से दांत साफ करना चाहिए। इन वृक्षों से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। ऐसे में आप गिरा हुआ पत्ता ही लेकर सेवन करें। नंबर फाइव, यदि संभव हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करने के बाद फिर स्नान आदि करें। मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। नंबर सिक्स, एकादशी के दिन आपको क्रूर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। रात्रि को जागरण और कीर्तन करना चाहिए। नंबर सेवन, तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशी मंत्र का जाप करें, राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु भगवान आदि के नामों को। नंबर एट, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। नंबर नाइन, ऐसी गलती मत करना, एकादशी के दिन गलती से भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु आपके झाड़ू लगाने से हो सकती है, इसलिए एक दिन पहले से ही घर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान राम की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी मंदिर में स्थित पीपल अथवा बरगद के पेड़ के पास जाएं, उसे दूध मिश्रित जल से सींचें और वहां पर देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वहां पर थोड़ी देर शांति से बैठकर भगवान राम का स्मरण करें। यह मानसिक अशांति और तनाव को दूर करता है। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है, इसीलिए इस दिन चावल ना खाएं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।